यूपी के रायबरेली में सावन मास के दिव्य पावन अवसर पर सांब सदाशिव महामृत्युंजय भगवान की कृपा से आचार्य चंद्रिका प्रसाद शास्त्री जी महाराज गौरी शंकर धाम पराकला की कृपा पूर्ण आशीर्वाद के फलस्वरूप सप्तदिवसीय महामृत्युंजय जप अनुष्ठान आराधना एवं महारुद्राभिषेक समारोह कस्बे के वार्ड नंबर 2 आर्यनगर में दिनेश इंटरप्राइजेज उर्फ भल्लू ठेकेदार और उनके छोटे भाई राजेश कुमार परिवार की ओर से जनकल्याण सनातन संस्कृति सुख समृद्धि हेतु किया गया है। इस पावन महोत्सव में राजगंज नगर एवं श्रद्धालु सेवाओं में तत्पर होंगे। 6 वैदिक सिद्धांत के द्वारा एक आचार्य पंडित चंद्रिका शास्त्री जी महाराज द्वारा कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। लगातार पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आपको बता दें कि 6 वैदिक विद्वानों पंडित सचिन पांडे, पंडित राम प्रसाद पांडे, पंडित सिद्धेश्वर अवस्थी, पंडित दिनेश तिवारी, पंडित दीपू त्रिवेदी, पंडित अतुल पांडे के साथ यज्ञाचार्य आचार्य पंडित चंद्रिका शास्त्री जी महाराज द्वारा सावन के पहले सोमवार 22 जुलाई 2024 से नित्य वेद ध्वनि से पर्यावरण शुद्ध हो रहा है। पूजन अभिषेक आरती के बाद आचार्य श्री ने अपने संदेश में कहा कि भगवान शिव की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव का अर्थ कल्याण स्वरूप मंगल के धाम का नाम शिव है, जिनके नाम स्मरण मात्र से ही सर्व अशिष्ट अमंगलों का विनाश हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा का अनादिकाल से ही परंपरा चली आ रही है। परिवार, समाज, नगर तथा देश में सुख शांति समृद्धि आनंद की प्राप्ति के लिए सदैव शिव जी के शरण में निश्चित भाव से उपासना कल्याण कामी भक्तों में सदा रहना चाहिए, जिससे लौकिक पारलौकिक उत्कृष्ट की प्राप्ति सदैव होती है। आचार्य जी महाराज ने कहा कि सकल आधि व्याधि मय मृत्यु पीड़ा महामारी संकट और अकाल मृत्यु आदि के निवारण हेतु रुद्राभिषेक एवं मृत्युंजय जप आराधना का विशेष महत्व है। आचार्य श्री ने कहा कि सनातन शास्त्रों में कई प्रकार की मूर्ति पूजा का विधान है, जिसमें प्रमुख रूप से प्राप्तमय, गोमय, बालू, स्फटिक, पारद, रजत, स्वर्ण, धातु आदि की प्रतिमा की पूजा का विधान है। सकल आदि व्याधि रोग निवृत्ति अथवा सर्वजन कल्याण के लिए कुशायुक्त जल से अभिषेक के द्वारा लाभ होता है। धन धान्य समृद्धि के लिए इंशुरस गन्ना के रस से अभिषेक करने का विधान है। पूर्ण प्राप्ति के लिए गौदुग्ध के द्वारा अभिषेक, वृष्टि के लिए पर्याप्त वर्षा हो इससे जलधारा शिव पिपाह पर्याप्त जलाभिषेक होते रहना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वसिद्धि प्रदायक है। स्फटिक मणि शिवलिंग, पारसमणि शिवलिंग पूजन से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। आचार्य चंद्रिका शास्त्री जी महाराज ने श्री राम कथा के माध्यम से समाज में एकता एवं अखंडता तथा प्रेम सुख शांति समृद्धि की स्थापना के लिए रामायण का प्रचार गाँव-गाँव में अधिक हो, प्रत्येक घरों में बच्चों को रामायण पढ़ने की प्रेरणा मिले, जिससे नैतिक मूल्यों की स्थापना हो सके। इस कार्यक्रम में छोटे लाल मौर्य, रामस्वरूप यादव उर्फ कल्लू यादव, रामकरण, ऋतिक कुमार, श्लोक कुमार, स्वाति, खुशी सौम्या, किंजल, श्रवण कुमार और परिवार के सभी इस सदस्य मौजूद रहे। पढ़िए, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। और घेरा गांव में महामृत्युंजय जाप चल रहा है आपका, आज छठवां दिवस है, तो क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम है पंडित चंद्रिका शास्त्री। महामृत्युंजय यज्ञ के करने से दैविक भौतिक त्रिविध तापों का शमन होता है, वंश की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है और समाज का कल्याण होता है। यज्ञ का स्वरूप है सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामय। यज्ञ समस्त विश्व का कल्याण करता है। तो भगवान मृत्युंजय का महायज्ञ समस्त आदि व्याधियों को नष्ट करने वाला है, समाज का कल्याण करने वाला है। ये धर्म धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोगों में आस्था नहीं है धर्म के प्रति, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या आज के जो नवयुवक है उनको क्या सलाह देंगे इस पर? देखिए, सतयुग द्वापर त्रेता में जो बड़े बड़े योग यज्ञ जप तप करने से फल मिलता था लोगों को, कलिकाल में वही कलयुग केवल हर गुंगा सुमिरत नर पावन मौका कलौ के शौकना। कलयुग में भगवान के नाम की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो और अपना काम करते रहो। राम कहे जा काम किए जा, ना काहू का डर, पर रेशन के नगर बसे हैं ना काहू का डर। यहाँ किसी को रहना नहीं है, थोड़ा सा समय मिला है, इसलिए हम सब लोग सनातनी हैं। हमारा लोगों का काम है धर्म की रक्षा करना। हम सब लोग जब धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्मो रक्षत रक्षता। हम सब लोग जब धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और समाज का कल्याण करेगा, इसलिए हम सबको धर्मवान बनना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।